हेलो दोस्तों, सीताराम दीवान चंद पहाड़गंज दिल्ली वालों के फेमस छोले भटूरे मुंबई में कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और देखिए। तो सबसे पहले तो हमें जोमैटो गोल्ड का मेंबर बनना होगा और जोमैटो की जो नई सर्विसेज शुरू हुई हैं जोमैटो लेजेंड्स करके, उसके द्वारा ये मुंबई में बैठे बैठे हम उनका आनंद ले सकें। तो दोस्तों देखिए, हमने इसे एक दिन पहले ऑर्डर किया था और अगले दिन ये आ गया था सुबह ही और हमने इंजॉय किया था। मैप पर वो पूरा दिखाते हैं कि हमारा ऑर्डर चल पड़ा है या नहीं और इसकी कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी। तो एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि इसकी कीमत क्या पड़ी थी और ये कैसे पैक होके आया था और कैसे खोल के लगा था, देखने के लिए बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर तो पहुंच चुका है जोमैटो लेजेंड से, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और हमने दो ऑर्डर में दो प्लेट ऑर्डर किए थे, तो दो चार छोले चार भटूरे और काफ़ी मात्रा में छोले आए थे। और इसकी को ओपन करके दिखाएंगे, ये एयर टाइट थे और अच्छी तरह से पैक होके आए थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो उसके लिए आपको गोल्ड का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है जोमैटो गोल्ड का, और वो कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। तो उसकी के द्वारा आप किसी भी सिटी की आइकॉनिक डिशेस जो हैं उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो वो तो आपको ऐप में ही जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ की ऑर्डर दे सकते हैं। और देखिए, इसका बॉक्स बहुत ही अच्छा था। बॉक्स के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने अकॉर्डिंगली उसके ही उसको आते ही थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, क्योंकि उस समय हमें खाना नहीं था। और उसके बाद जब खाना था उसी समय, जब खाना था उससे पहले रीओपन किया और उसको रीहीट किया। तो इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली फॉलो ज़रूर करिएगा, तभी सब सही से खाना आपका रहेगा। तो ये देखिए, बॉक्स खुल गया है और इसमें से ये चार भटूरे पैक होके आए हैं और साथ में छोले भी थे, जो काले पिंडी वाले चने लग रहे थे वैसे ही थे, तो वो भी काफ़ी मात्रा में थे। और ये भटूरे खुलकर ऐसे हो गए हैं, अभी ठंडे हैं तो ऐसे हैं, लेकिन हमने जब गर्म किए थे तो अच्छे हो गए थे। और दोस्तों, इनके रेट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था, हमें तो कुछ ऑफ़ मिला था जो फर्स्ट ऑर्डर देते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ़ नहीं मिलेगा तब भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, अब ये चने पिंडी वाले जो हैं काले, वो खोल रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे थे और काफ़ी मात्रा में थे, इतने हम लोगों से खाए भी नहीं गए। हाँ, साथ में अचार और आलू और प्याज नहीं थी, तो हम लोगों ने प्याज तो अपने आप ही काट ली और अचार आप अपने आप खुद से ले सकते हैं घर से, लेकिन छोले भटूरे तो आपको पहाड़गंज वाले घर बैठे ही ज़रूर मिल ही जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी क्वांटिटी में छोले थे और हमने इनका माइक्रोवेव में गरम करके आनंद लिया। ये मैंने आपको पूरा दिखाया है कि कैसे हमने निकाले और प्लेट में रख के और फिर माइक्रोवेव किए। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा और मज़ा लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने किस चीज़ का, कौन सी डिश का ऑर्डर दिया, कौन से सिटी से, और वो आपको कितनी अच्छी लगी। हमें तो मुंबई में बैठ के दिल्ली वाले फेमस छोले भटूरे खाने में बहुत ही अच्छे लगे। इंस्ट्रक्शन देखिए, मैंने क्लोज़अप करके दिखाया कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ये देखिए, माइक्रोवेव कर लिया है हम लोगों ने, रख दिए हैं इसको, एक मिनट के लिए रखा था तो ये काफ़ी अच्छे गर्म हो गए थे। और एक मिनट के बाद ये बस समझ लीजिए बहुत अच्छे खाने लायक हो गए थे। तो दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और जोमैटो लेजेंड्स की सेवा आपके एरिया में कैसी चल रही है और फूड आपको कैसा मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, गर्म होके ये बिल्कुल अच्छे हो गए हैं और घर बैठे ही हमें खाने मिले,
तो हमने खूब आनंद लिया। प्याज हमने गोल रिंग्स वाली घर पर ही बना ली थी, और ये अब आपको इसकी एक बाइट तोड़ के दिखाते हैं कि कैसी थी। तो दोस्तों ज़रूर से मंगाइए, अगर आप भी शौकीन हैं सीताराम दीवानचंद पहाड़गंज वालों के छोले भटूरों के। और अब दोस्तों आपको रेट बता देते हैं, इसकी प्राइस रेट चार भटूरों का हमें 133 रुपये पड़ा था डिस्काउंट के बाद, लेकिन विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट भी ये 200 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं, तो बहुत ही रेट बहुत ही सही है। तो इसलिए दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।